बिहार का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इन दिनों सुर्खियों में है। गौर करने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं, बल्कि प्रोफेसर साहब की छात्रा के साथ शर्मसार करने वाली हरकतों की वजह से चर्चा में है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हरकतों की वजह से न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि अधिकारियों तक को शर्मसार होना पड़ा है। यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एक सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार पर विभाग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। वह छात्रों को गवर्नर का रिश्तेदार होने का धौंस देते हैं, छात्र छात्राओं के साथ गाली गलौज करते हैं और उनका कैरियर बिगाड़ देने की धमकी देते हैं। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने हिंदी विभाग अध्यक्ष से शिकायत की, लेकिन जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत की है। यूनिवर्सिटी ने इस मामले को आंतरिक जांच समिति के पास भेज दिया है। एक छात्रा ने बताया कि हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार नोट्स देने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाते रहते हैं, रात में कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। छात्रा ने कहा कि कॉल नहीं उठाने के बाद भी वह बार बार कॉल करते हैं रहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर इमोजी भेजते हैं। आरोप है कि वह चरित्रहीन है। अगर उन्हें नोट्स देना है तो वह क्लास में भी दे सकते हैं, लेकिन रूम पर ही बुलाते हैं। वह भी लड़कियों को ज्यादा बुलाते हैं। उनकी हरकतों के चलते कई लड़कियों ने क्लास ही छोड़ दी। उसने कहा कि इन लोगों ने डिपार्टमेंट में शिकायत की, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन लोगों ने वाइस चांसलर के पास शिकायत की। छात्रा ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें विभाग से निकाला जाना चाहिए। एक अन्य छात्र ने आरोप लगाया कि डॉक्टर अखिलेश कुमार माँ बहन की गाली भी देते हैं। वह धमकी देते हैं कि अगर उन्हें मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम्हें तुम्हारा पीजी पीआरटी नहीं होने देंगे। उसने कहा कि शिक्षक की नीयत बेहद खराब है। एक पीजी छात्र दीपक कुमार ने कहा कि डॉक्टर अखिलेश कुमार उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। वह कहते हैं कि दूसरे शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत करो। उसने कहा कि 28 जुलाई को शिक्षक ने उसे कॉल करके माँ बहन की गाली दी और धमकाया भी। छात्र ने कहा कि वे खुद को गवर्नर का फागू चौहान का रिश्तेदार बताकर धमकी देते हैं। वह कहते हैं कि विभागाध्यक्ष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो तुम क्या बिगाड़ लोगे। इस मामले में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष की ओर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और कई छात्र संगठनों की ओर से भी 2 दिन पहले पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में एक इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें मामले को लेकर काउंसिल में फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूंकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था, इसलिए उसकी गहन जांच के लिए सरकार की तरफ से बनी एक कमेटी को भी भेजा गया है। इस कमेटी के सदस्य महिला शिक्षक होती हैं, प्रति कुलपति डॉक्टर लीला डॉली सिन्हा उसकी हेड होती हैं। उसमें जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्राओं को व्हाट्सएप कॉल करना और अर्धनग्न तस्वीर भेजना अमर्यादित है। शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मियों के लिए यह स्वीकार्य नहीं है, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। आइए छात्राओं की बात सुनते हैं कि वो किस तरीके से शिक्षक पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा वाइस चांसलर क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुनते हैं। अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबसे ज़्यादा मतलब ये करते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसके या फिर कुछ नहीं किया? किए हैं ना शिकायत। कहाँ किए हैं? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या आप? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो सर, उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। बहुत लड़की तो
कौन है वो टीचर, कौन है, क्या कहते करते हैं? गाली दिए हैं मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किए हैं। क्यों, कारण क्या लगता है? मतलब ये धमकाते रहते हैं, जो नेट नेट नहीं होने देंगे तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तो PGPID नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से, ये सब धमकाते रहते हैं। कि उनकी नीयत पे भी आप लोग को सवाल है क्या? जी, वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं, उससे पहले भी सर को हम लिखी दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है, और फिर उससे गाली गलौज करते हैं, दिन आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। क्यों? तो सर जो भी सर वो हमको बोलते हैं कि तुम किसी टीचर के खिलाफ लिख के दो, अगर कोई मित्र मेरा जो क्लास में पढ़ते हैं उनको रूम पर बुलाते हैं लड़कियाँ को, अगर उनको मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर क्लास जाते हैं तो आप बताइए, तो उनको रोकते हैं, मुझे सीधा धमकी देते हैं। जी सर, और हमको सर रात्रि 28 तारीख को 11 बजे कॉल करके मैं ये बहने वो सर घर आया, और जब विभागाध्यक्ष को हम उससे पहले भी कंप्लेन कर दिए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी कुलपति महोदय को मैंने दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? सर कार्रवाई इसीलिए, जी सर बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान जी, उनका वो मेरा रिश्तेदार है, तुम कितना भी पावर लगा लो तुमसे कुछ नहीं होगा, सीधा धमकाते विभागाध्यक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहे तुम। विभागाध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ ICC माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्योंकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था, तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है, इसमें महिलाएं शिक्षिकाएं इसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रतिकुलपति महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं, वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है, साथ ही साथ उसमें जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। एविडेंसेज हैं उसमें, व्हाट्सएप चैटिंग है और अब नंग तस्वीर लड़कियों को व्हाट्सएप पर भेजना, रात को कॉल करना, ये सब क्या बताते? देखिए ये बिल्कुल ही अमर्यादित है, किसी भी छात्र छात्राओं को इस तरह की तस्वीर भेजना, शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले चाहे वो शिक्षक हो या कर्मी हो, वो स्वीकार नहीं है, उसकी गहन जांच की जा रही है।